आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जाहिर कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, वहीं पंजाब किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने 8-8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, मुंबई इंडियंस ने 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, दिल्ली कैपिटल्स ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, राजस्थान रॉयल्स ने 9 खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है। साथ ही फैंस के लिए अच्छी खबर है कि धोनी एक बार फिर आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे। सीएसके ने धोनी को रिटेन किया है। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि आईपीएल से पहले धोनी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं 10 टीमों के रिलीज खिलाड़ियों पर। आरसीबी ने कुल 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें वानिंदु असरंगा, हर्षल पटेल, जोस हेजलवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, वेन पानल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ खोल, केदार जाधव। बात करें अगर गुजरात की तो गुजरात ने कुल 8 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें यश दयाल, के एस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ और अल्जारी जोसेफ के साथ दशुन सना का है। लखनऊ ने भी कुल 8 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें जयदेव उनादकर, डेनियल सैम्स, मनन वोहरा, स्वीप सिंह, करण शर्मा, अल्पित गुलेरिया, सूर्या सेगड़े और करुण नायर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कुल 6 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें हैरी ब्रुक, समर्थ व्यास, कार्तिक त्यागी, विवरांत शर्मा, अकील हुसैन, आदिल रशीद है। बात करें अगर चेन्नई की तो चेन्नई ने कुल 8 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें बेन स्टोक, डेवन पीटरियस, कायल जेमिसन, आकाश सिंह, अंबति रायडू, संचिता मंगला, भगत वर्मा, शुभांशु सेनापति। राजस्थान ने भी 9 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें जो रूट, अब्दुल वसीद, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव, ओबेद मैकोन, मुर्गन अश्विन, केसी करियप्पा और के एम आसिफ है। दिल्ली ने भी कुल 11 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें रिली रोसो, रोमन पोवेल, मनीष पांडे, फिलिप साल्ट, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन साकरिया, सरफराज खान, कमलेश नगरकोटी, रिपिल पटेल, अमन खा, प्रियम गर्ग है। पंजाब ने सबसे कम 5 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें पानुका राजपक्से, मोहित राठी, बलदेव टाठा, राज अंगद बाबा और शाहरुख खान है। केकेआर ने सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें शकीब अल हसन, लिटल दास, आई देसाई, डेविड विज, एल जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवत खरोजिया, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्गुसन, उमेश यादव, जानसन और टीम सावधी है। मुंबई इंडियंस ने कुल 7 खिलाड़ी को रिलीज किया है, जिसमें असरत खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा हासल, स्टीपसन स्टब्स, डुआन जॉनसन। आईपीएल सीजन 70 के सबसे बड़े ट्रेड विंडो की बात करें तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ऊपर है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की आईपीएल में कवर अप से हो गई है। हार्दिक अब मुंबई के लिए एक बार फिर से जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने ट्रेडिंग विंडो के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था। हार्दिक ने पिछले 2 साल आईपीएल की सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी। हार्दिक पांड्या को वापस लाकर मुंबई इंडियंस ने फ्यूचर प्लान सेट कर लिया है। दरअसल मुंबई इंडियंस के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा 36 साल के हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस को ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत थी जो आगे चलकर टीम का लीड कर सके। अब हार्दिक पांड्या के आने से मुंबई इंडियंस की टेंशन खत्म हो गई है। 30 साल के हार्दिक पांड्या आने वाले समय में मुंबई इंडियंस की कमान संभालते हुए दिख सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी बखूबी की, उस तरह रोहित के बाद अब हार्दिक पांड्या जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा ही मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 बार खिताब जीता है, जबकि हार्दिक ने अपनी कप्तानी में पहली बारी में ही गुजरात को खिताब जिताया था। हार्दिक पांड्या हाल ही में T20 क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, यानी उन्हें अब कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। आईपीएल 2024 में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।